नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। आज 19 जनवरी 2022 को भी सागर में कोरोना ने फिर जो है तेहरा शतक जड़ा है। तेहरा शतक इसलिए बोल रहा है, सिर्फ 15 कदम दूर है। आज 285 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं सागर में। जी हाँ, आंकड़ा घटने पर नहीं आ रहा, 250 के ऊपर ही निकल रहा है। ये डेली का नियम बन गया है। सागर के लोगों की लापरवाही की वजह से कोरोना जो है लगातार जो है दोहरा तेहरा शतक मार रहा है। ये चिंताजनक है और सबसे चिंताजनक बात इसलिए भी है क्योंकि अब मौतें भी हो रही हैं। आज एक मौत भी हुई है, कोविड से हुई है। हालांकि उन्हें निमोनिया बताया जा रहा है, निमोनिया को लेकर उन्हें एडमिट किया गया था, लेकिन मृत्यु पश्चात उनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसलिए हम आप सबसे बार बार ये अपील कर रहे हैं कि पिछली लहर जैसा मंजर सामने ना आ पाए और आप लोग सतर्कता बरतना शुरू कर दीजिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो लगातार मास्क लगाइए, वैक्सीन लगवाइए, सोशल डिस्टेंस का पालन करिए। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको हल्के में ना लें, ये ना सोचें कि ये तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। गंभीरता से लें और तुरंत इलाज कराना शुरू कर दीजिए। अब सुनते हैं डॉक्टर उमेश पटेल ने कोरोना मरीजों की डिटेल में जानकारी दी है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर उमेश पटेल, मीडिया प्रभारी बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर। आज है 19 जनवरी। आपको कोरोना से संबंधित अपडेट दे देता हूं। आज हमारी बीएमसी की फ्लू ओपीडी में 87 संदिग्ध मरीजों को इलाज दिया गया है। बीएमसी में आज 3 कोरोना संदिग्ध और 10 कोरोना पॉजिटिव मरीज इलाजरत हैं। बीएमसी से आज 4 मरीजों को होम आइसोलेट अथवा डिस्चार्ज किया गया है एवं 4 नए मरीजों को भर्ती भी किया गया है। बीएमसी से आज 285 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव है। एक व्यक्ति की मृत्यु की भी सूचना है जो कि ग्राम आमेट मोती नगर निवासी थे, जिनकी उम्र करीब 50 वर्ष थी, सीओपीडी और हाइपरटेंशन के मरीज थे। पूर्व में भी बीएमसी में बायलैटरल निमोनिया के इलाज हेतु भर्ती हुए थे, अभी पुनः 18 तारीख को निमोनिया के साथ भर्ती हुए। उनका आरटीपीसीआर का सैंपल लेकर कोविड प्रोटोकॉल के तहत इलाज किया गया। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई और उसके पश्चात उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। सावधानी बनाए रखने की आवश्यकता है, लापरवाही नहीं बरतें। कोविड के लक्षण आने पर अपने आप को आइसोलेट कर चिकित्सक की सलाह लें, उचित उपचार लें। धन्यवाद।